ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बिलीव मी इट्स अ वेरी फैसिनेटिंग साइंस, बहुत डीप है, लेकिन आज हम एक बहुत प्रिलिमिनरी स्टेप करेंगे जिससे आज आप रात को जाकर अपनी स्लीप की स्टेट चेक कर सकते हैं. अब आपको कैसे अपनी नाड़ी को चेक करना है, हम नाड़ी परीक्षण करेंगे. आचार्य चरक ने हमें जो फॉर्मूला बताया वो 1 point फॉर्मूला है, दैट इज बैलेंस योर वात पित एंड कफ. ये टर्म्स क्या होती हैं मैं साथ साथ क्लैरिफाई करती जाऊंगी आगे, लेकिन आचार्य चरक कहते हैं कि हम अगर अपनी नाड़ी को स्टडी करना सीख जाएं, तो उससे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा वात पित्त और कफ बैलेंस्ड है और वो नेचर के साथ सिंक में है या नहीं. ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बिलीव मी इट्स अ वेरी फैसिनेटिंग साइंस, बहुत डीप है, लेकिन आज हम एक बहुत प्रिलिमिनरी स्टेप करेंगे जिससे आज आप रात को जाकर अपनी स्लीप की स्टेट चेक कर सकते हैं. अब आपको कैसे अपनी नाड़ी को चेक करना है, हम नाड़ी परीक्षण करेंगे. आप अपने लेफ्ट हैंड को अपने आगे ले आएं, जैसे ये सिस्टर्स लेकर आए हैं. अब हाथ को आप अपने आगे इस तरह से हॉरिजॉन्टली रख लेंगे और अब अपनी रिस्ट लाइन आइडेंटिफाई करेंगे. हम आपको डेमोंस्ट्रेट करने के लिए यहाँ हाथ उठा रहे हैं, लेकिन आप अपने हाथ की पोजीशन ऐसे ही रखेंगे. अब जो सबसे पहली रिस्ट लाइन है आपकी, रिस्ट लाइन, कंप्लीट रिस्ट लाइन, आप उसको आइडेंटिफाई करें. कर लिए सबने? और अब आप थंब से इस तरह फिंगर ड्रैग करते हुए लाएं, आपको जो वर्टिकल लाइन मिलेगी वहाँ रेडियल पल्स होगी. अभी पल्स नहीं मिलेगी, अभी हम बताएंगे पोजिशनिंग की, हम बात करें कि कैसे पोजिशन होगा. आप थंब से इस तरह से फिंगर ड्रैग करते हुए लाएं, आपको एक वर्टिकल जोन मिलेगी. अब अपनी वन फिंगर विड्थ से, नॉट द लेंथ, दिस इज द लेंथ, हम विड्थ की बात करें, अपनी रिस्ट लाइन पर अपनी विड्थ का गैप नोट करें इस तरह से, ठीक है. अब आपको क्या करना है, अपने राइट हैंड को लीजिए और अपनी फर्स्ट ये 3 fingers लीजिए, इंडेक्स, मिडिल और रिंग फिंगर, और इनको तीनों को लेवल पर ले आइए. आपकी मिडिल फिंगर थोड़ी सी बेंड होगी, तीनों की टिप्स मैच करनी चाहिए. और अब आप अपने राइट हैंड को नीचे से ले जाते हुए अपने लेफ्ट हैंड पर बिल्कुल उस पोजिशन पर रखेंगे, एक तो जो आर्क आपने ड्रॉ किया था वो वर्टिकल जोन, और रिस्ट लाइन से 1 width का गैप इस तरह से होगा आपका. ये 1 width का गैप है आपका, और ये वो आर्क है जहाँ पर आपने तीनों फिंगर्स रखनी है. एम आई क्लियर? ओके. अब आपको तीनों फिंगर्स से बहुत हल्का सा, माइनर एडजस्टमेंट्स कैन बी डन. हम यहाँ पर बिल्कुल अब साइलेंस रखेंगे, मैं भी नहीं बोलूँगी. आपको ये देखना है आपको कौन सी फिंगर के नीचे थोड़ा सा प्रेशर देंगे तीनों फिंगर से. आपको देखना है तीनों फिंगर्स में से कौन सी फिंगर के नीचे आपको सबसे ज़्यादा पल्सेशन महसूस हो रही है. आइडेंटिफाई करें सबसे स्ट्रॉन्ग पल्सेशन कौन सी के नीचे है. ओके. इंडेक्स फिंगर के किस किस के नीचे, इंडेक्स फिंगर के लिए. ओके. आचार्य चरक सेज अग्रे वाता मध्य पित्त अंतः कफ इति. अग्रे वाता मीन्स, सबसे पहले तो हमने हाथ को इसलिए रोटेट करके रखा क्योंकि इंडेक्स फिंगर, इट्स द रूल फॉर मेजरमेंट ऑफ नाड़ी कि इंडेक्स फिंगर आपकी थंब की साइड आनी चाहिए. आप ऊपर से रखते तो ये फ्लिप हो जाता. आप चरक कहते हैं कि अगर अग्रे वाता, अगर सबसे पहले आपके इंडेक्स फिंगर के नीचे सबसे ज़्यादा पल्सेशन है, मीन्स आप वात की तरफ इंक्लाइंड हैं. वात जो है उसमें एयर एलिमेंट प्रधान होता है, यानी आपकी चंचलता बढ़ी हुई है. अगर आपकी मिडल फिंगर के नीचे सबसे ज़्यादा पल्सेशन आपको महसूस हुई तो वो पित्त का साइन है, आपका रुझान पित्त की तरफ है. और अगर आपका थर्ड रिंग फिंगर के नीचे आपको सबसे स्ट्रॉन्ग महसूस हुई, देन इट इंडिकेट्स कफ. थैंक यू सिस्टर्स. यहाँ पर आचार्य चरक कहते हैं कि अगर रात को सोने से पहले आप इस तरह से अपनी नाड़ी को चेक करेंगे तो आपका उस टाइम पर अगर कफ है, गुड कफ, दूषित कफ नहीं, गुड कफ है अगर, तो देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप गुड स्लीप लेने के लिए बिल्कुल तैयार हैं. क्यों? क्योंकि जो कफ एलिमेंट होता है उसमें हैवीनेस होती है, स्लगिशनेस होती है, तो आपकी बॉडी को डोज ऑफ करने के लिए वो हेल्प करेगा. अगर आपकी वात उस टाइम पर बढ़ी हुई है, आज रात को आप जाकर चेक कीजिएगा सोने से पहले, अगर वात बढ़ी है, यानी इंडेक्स फिंगर के नीचे सबसे ज़्यादा पल्सेशन आपको मिलेगी, तो इसका मतलब
एयर होता है वात का एलिमेंट, आप सारी रात रेस्टलेस रहेंगे, करवटे बदलते रहेंगे, और क्योंकि एयर मूविंग रहती है इसलिए एयर जो है वो कफ का स्थान बनने नहीं देगी और इनसोम्निया की सिचुएशन क्रिएट कर देगी। अगर आपकी पित्त उस टाइम पर आपको सबसे ज्यादा मिलेगी, तो आचार्य चरक कहते हैं कि पित्त जो होती है वो फायर का उसमें एलिमेंट सबसे प्रधान होता है, यानी कि आप सारी रात थर्स्टी फील करेंगे, एक्सेसिव थर्स्ट, बार बार आपकी बॉडी डिमांड करेगी पानी और आप साउंड स्लीप नहीं ले पाएंगे। तो ऐसे में होना क्या चाहिए? कैन वी हैव द टेबल्स प्लीज? सोल्यूशन के लिए सिर्फ वन पॉइंट रूल है जो आचार्य चरक कहते हैं आपको बैलेंसिंग करनी है। देखिए नीचे आपके तीनों के फीचर्स लिखे हैं। वात मींस ऑलरेडी ड्राई और स्टिमुलेटेड है, पिथ इज ऑलरेडी शार्प है, ई हीटेड है, एसिडिक है, और कफ जो है उसमें ऑलरेडी हैवीनेस है। नाउ आई नो यू आर ब्राइट ऑडियंस, यू कैन क्विकली टेल मी द आंसर्स। अगर आपकी वात रात को बढ़ी हुई है तो अगले दिन से आप एक्सरसाइजेस कैसी टाइप की करेंगे? रिग्रेस, स्लो और मॉडरेट? स्लो, एग्जैक्टली, बिकॉज ऑलरेडी आप ओवर स्टिमुलेटेड हैं। ओवर स्टिमुलेशन को बैलेंस करने के लिए स्लो। अगर पिथ है तो मॉडरेट, एंड अगर कफ है तो रिग्रेस। ब्राइट ऑडियंस अपने लिए ही तालियां बजा दीजिए। नेक्स्ट टेबल, फूड कैसा लेना चाहिए? अगर आपका वात बढ़ा हुआ है तो आपको कैसे फूड लेने चाहिए? क्विकली ऑयली लेना चाहिए, यस, क्योंकि आपकी बॉडी ऑलरेडी ड्राई है। आपको हैवी लेना चाहिए, यस, बिकॉज एयर एलिमेंट इज लाइट। और आपको स्वीट लेना चाहिए, यस, बिकॉज स्वीट अगेन इज हैवी। तो आपके ये वात को बैलेंस करेगी। तो तीनों में यस। अगर पित्त आपका बढ़ा हुआ है, शुड वी टेक ऑयली फूड इन दैट? नो, वो हीट को और बढ़ाएगा। अगर पित्त है तो हैवी लेना चाहिए? नो, क्योंकि आपको और वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लेकिन मॉडरेटली हैवी आप ले सकते हैं, थोड़ा ले सकते हैं, क्योंकि पित्त में फायर का कंटेंट ज्यादा है तो आपकी उष्णता जो है वो जल्दी पचाएगी भोजन को, तो थोड़ा ले सकते हैं, थोड़ा मॉडरेटली हैवी साइड। स्वीट लेना चाहिए, यस, क्योंकि स्वीट का नेचर ठंडा होता है, ये ठंडा करेगी। क्विकली टेल, कफ में ऑयली लेना चाहिए? नहीं, ऑलरेडी हैवीनेस है, हैवी लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं, स्लगिशनेस इज ऑलरेडी देयर, स्वीट भी नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो हैवीनेस क्रिएट करेगा। नेक्स्ट, हम सबको पता है कि सुबह पानी पीना चाहिए, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है। अगर आप में वात बढ़ा हुआ है, कैसे टाइप का पानी लेना पसंद करेंगे या चाहिए बताइए? हॉट, ऑलरेडी आपके अंदर ड्राइनेस है और हॉट से ड्राइनेस हो जाएगा, आप इसमें ल्यूक वार्म वाटर ले सकते हैं। पित्त के केस में आप कैसा वाटर लेंगे? नॉर्मल, एग्जैक्टली, क्योंकि हीट को बैलेंस करना है। और कफ के केस में हॉट लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपके अंदर इतना कफ है, उसको डाइल्यूट करने के लिए यू हैव टू टेक हॉट वाटर। नेक्स्ट, गुड नाइट स्लीप के लिए ये रामबाण का काम करेगा। कोई एल्प्रेक्स, कोई कुछ काम नहीं ऐसा देगी जो ये आपको मास्टर औषधि काम करेगी। इसे रसायन कहते हैं, जो तीनों दोषों को, त्रिदोष को बैलेंस करने में हेल्प करती है। एंड दैट इज वेरी सिंपल, बिलीव मी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप इसको आज से ट्राई करेंगे, आपको आज से ही नींद में फर्क दिखेगा। आप एक तो देसी काओ घी, इसकी 2-3 ड्रॉप्स रात को अपने नॉस्ट्रिल्स में डाल सकते हैं। सेकेंडली, जो मस्टर्ड ऑयल होता है उससे अपने इस पूरे ईयर की मसाज कर सकते हैं, बिकॉज वी विल नो कि इस ईयर के इन पॉइंट्स का कितना सिग्निफिकेंस है। अपने फीट की सोल पर इसको लगाएं और साथ में अपने नेवल में भी इसकी ड्रॉप डाल सकते हैं। सो विश यू अ वेरी गुड नाइट स्लीप फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। यूज दिस पैकेज एंड लिव अ हेल्दी, वेल्दी, फिट एंड सुपर हिट लाइफ। थैंक यू सो मच।